हेलो प्रोफेशनल्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रोफेशनल स्टेप अप। तो आज हम आए हैं गूगल क्रोम के कुछ टिप्स के साथ जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टिप है कंट्रोल शिफ्ट एन टी। कंट्रोल शिफ्ट एन टी इज एन रिकवर कमांड। गलती से आपका कोई भी टैब बंद हो जाता है, आप कंट्रोल शिफ्ट एन टी करेंगे तो वो टैब रिकवर हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एन टी इज एन रिकवर कमांड। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। गूगल में पिन बटन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। पिन बटन बेसिकली इज अ वन क्लिक लिंक। आपने सिंगल क्लिक किया, आप अपने फेवरेट चैनल पे चले गए, अपने फेवरेट वेबसाइट पे चले गए। आप अपनी वेब खोले, राइट क्लिक करके पिन कर दें। जैसे उस पिन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, वैसे ही एक छोटा सा लेफ्ट साइड पे आपके पास लोगो बना हुआ आ जाएगा। वो चैनल आपका पिन हो जाएगा या वो वेबसाइट आपकी पिन हो जाएगी गूगल क्रोम में। आप जैसे ही गूगल क्रोम खोलेंगे, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हमारी नेक्स्ट टिप है कंट्रोल पी। बेसिकली बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारी वेबसाइट्स हमें अच्छी लगती है तो हम चाहते हैं कि उसको हम सेव करके अपने कंप्यूटर में रखें ताकि हमारी फ्यूचर लर्निंग में वो काम आए। गूगल क्रोम में ये पॉसिबल है। आप जैसे ही कंट्रोल पी करते हैं तो राइट साइड पे एक ऑप्शन आता है जिसमें आप सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। आपने जैसे ही सेव एज पीडीएफ किया तो वो आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे सेव का ऑप्शन दे देते हैं। आप उसको अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे सेव कर लें, देन आपके पास नेट अवेलेबल हो या ना हो, वो आपके डेस्कटॉप पे एज अ पीडीएफ सेव है। आप फ्यूचर लर्निंग के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए उसको एज अ पीडीएफ आप यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टिप है गूगल डिक्शनरी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाएं, गूगल डिक्शनरी को ऐड टू क्रोम कर दें। गूगल डिक्शनरी का एडवांटेज ये है कि हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, विकिपीडिया पढ़ते हैं, तो कुछ वर्ड्स की मीनिंग हमें नहीं पता, उन वर्ड्स की मीनिंग के लिए हमें गूगल करना पड़ता है। अगर आपने गूगल डिक्शनरी कर ली है तो वहीं पे आपको उन वर्ड्स की मीनिंग पता चल जाती है। आप डबल क्लिक करेंगे तो उस वर्ड की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपके पास आ जाती है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है गूगल क्रोम एज अ पीडीएफ रीडर भी आपका काम करता है। अगर आपके कंप्यूटर में पीडीएफ रीडर नहीं है तो आप फाइल पर डबल क्लिक करेंगे या फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो वो गूगल क्रोम पे ओपन हो जाएगी। गूगल क्रोम आपका एज अ पीडीएफ रीडर भी वर्क करता है। आप किसी भी पीडीएफ फाइल को उठा के गूगल क्रोम में डाल दें तो वो आपकी ओपन हो जाएगी और एज अ पीडीएफ रीडर गूगल क्रोम आपके लिए वर्क करेगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। गूगल क्रोम आपका एज अ वीडियो प्लेयर भी यूज होता है। आप किसी भी वीडियो फाइल को उठाएं, उसको गूगल क्रोम में डालें तो वो चल जाती है। किसी भी इमेज फाइल को उठाएं और गूगल क्रोम में डालें तो वो सपोर्ट कर लेता है। तो गूगल क्रोम आपका मीडिया फाइल और आपकी इमेज फाइल्स को भी सपोर्ट करता है। हमारे नेक्स्ट टिप है ट्रांसलेट फीचर। गूगल क्रोम किसी भी पेज को किसी भी जबान में ट्रांसलेट कर सकता है। अगर आपको एक पेज उर्दू में चाहिए तो आप लेफ्ट क्लिक करें, आपके पास ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है, आप ट्रांसलेट को आपने दबाया, राइट साइड पे जाके आप उस वेब पेज की आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास गूगल क्रोम में अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।